हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया 77 ग्रेट में। दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत खास है। दोस्तों, आज के टॉपिक में आपको बताएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको क्या करना चाहिए, कब उठना चाहिए या कितने मिनट का होता है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में एक मंत्र बताएंगे जिसको आपको जाप करना है और आपके लिए वो बहुत लाभकारी होगा, 100% आपको उससे लाभ मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्मा जी का बताया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस सृष्टि का रचना ब्रह्मा जी की है, इस सृष्टि का रचना ब्रह्मा जी किए हैं और ये ब्रह्म मुहूर्त उन्हीं का ही समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त को ब्रह्मा जी का ही समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों, अलग अलग देशों में ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों अलग अलग होता है, क्योंकि वहां का सूर्योदय अलग अलग होता है। जहां सूर्य निकलता है उसके 1 घंटे 36 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त आपको 48 मिनट का मिलता है, ये 48 मिनट का होता है और 48 मिनट में ही आपको सारी चीजें करनी होती है। आपको ध्यान लगाना है, आपको मंत्र का जाप करना है। आपको अभी हम मंत्र बता रहे हैं, आपको उस मंत्र का सुबह उठ के जाप करना होगा। तो सुबह जल्दी आप उठें, यदि आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, अपनी खुशियों को पाना चाहते हैं, तो आप सुबह जल्दी उठेंगे। सुबह जल्दी उठ के इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी इच्छाएं 100% पूरी होंगी। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ब्रह्म मुहूर्त के समय का मंत्र, आपको सुबह उठ के यही मंत्र जाप करना है। तो चलिए आपको पढ़ के बताते हैं। करागे बसति लक्ष्मी, करागे बसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। तो ये रहा दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त का मंत्र। इस मंत्र का जप करते समय आप अपने दोनों हाथ को, आप अपने दोनों हाथ की रेखाएं, ये जो हाथ की रेखाएं होती हैं, आपको दोनों हाथ की रेखाएं आपस में जोड़ना है, इसको मिला लेना है और रेखाओं को आपस में मिलाकर इसको देखना है। और देख के अपने चेहरे पे ऐसे आप लगाएंगे, चेहरे पे लगा के आपको बस ऐसे करके और ऐसे आपको बस करना है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में मंत्र का जाप करना है। जाप करने के बाद आप अपने हाथ की रेखाओं को आपस में मिलाएंगे, आपस में मिलाने के बाद अपने चेहरे पर आपको लगाना है, चेहरे पर लगा के और इसको ऐसे करके बस छोड़ देना है। तो आगे चलिए इसके बारे में और कुछ रोचक जानकारियां बताते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की कुछ रोचक बातों को हम आपको बताते हैं। अक्सर आपने अपने घर में बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि जल्दी उठो, वो डांटते हैं, सुबह सुबह डांटते हैं कि जल्दी से उठ जाओ और उठ के और पढ़ो या जो भी करो, मतलब जल्दी उठ जाओ सूर्योदय से पहले। ऐसा इसलिए होता है कि उनको पता होता है कि हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का जिक्र किया गया है, उसके बारे में वो जानते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो। आपने देखा होगा कि वो खुद सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 3 बजे 4 बजे वो जल्दी उठ जाते हैं। तो वो जो भी कहते हैं वो अपने एक्सपीरियंस पे कहते हैं, कुछ गलत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको और भी कुछ रोचक बातें आपको बताते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले का समय, जब भी सूर्य निकलता है, सूर्य के निकलने के 1 घंटे 36 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय माना गया है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य निकलने के 1 घंटे 36 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ये समय 48 मिनट तक चलता है, 48 मिनट का समय होता है। तो 48 मिनट में ही आपको सारी चीजें करनी होती है। आपको उन 48 मिनटों में मंत्र का जाप करना है, अपनी इच्छाओं को मांगना है। इस समय को दोस्तों ब्रह्मा जी का समय माना गया है, क्योंकि सृष्टि के रचयिता हैं वो, और ये हर देश में अलग अलग होता है। इस समय ब्रह्म मुहूर्त में सलाह दी जाती है कि हमको ध्यान करना चाहिए। इस समय कौन, क्या, कब, कैसे, ये सारी चीजें, सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। आप उस समय ईश्वर से जुड़ सकते हैं,
अपनी खुशियां पा सकते हैं। उस समय दोस्तों आप आत्म स्वरूप हो सकते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। तो इस समय ध्यान लगाकर आपको इस समय ध्यान लगाकर केवल उन्हीं बातों को सोचना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो चाहते हैं कि आपके लाइफ में हो उन्हीं बातों को आपको सोचना होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और उन बातों को सोचने से वो 100% वैसी ही चीजें, वो सारी बातें जब आप सोचते हैं तो 100% वैसी ही सारी चीजें होने लगती हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होता है उस समय। सुबह के समय आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, वो एक्टिव होने से पूरा होने के 100% चांस हो जाते हैं। आप एक हफ्ते के लिए ऐसा करके देखिए, अवश्य पूरा होगा। आप जो चाहते हैं वो सब कुछ होगा। यदि पूरा होता है तो आप कमेंट में आके आप अवश्य बताइए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप करके देखिए, 100% ऐसा प्रूफ है, यकीन मानिए होता है, बिल्कुल होगा। आपको वही मंत्र आपको जाप करना है और अपनी इच्छा, मंत्र को जाप करना है और अपनी इच्छा को वहां पे प्रकट करना है। मंत्र जाप करने के बाद आप अपना हाथ ऐसे जैसे बताएं, आप हाथ की रेखाओं को ऐसे मिलाना है, हाथ की रेखाएं मिल जाएं तो आपको मिलाने के बाद अपने चेहरे में बस ऐसे लगा के ऐसे और ऐसे बस करना है, और उसके बाद आपको अपनी इच्छा ईश्वर के सम्मुख प्रकट करना है कि ईश्वर मैं ऐसा चाहता हूँ, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, ये है, वो है, जो भी है। पढ़ने में आप कमजोर हैं तो आप पढ़ाई के बारे में या जो भी है आप ईश्वर से आप उस समय प्रकट कर सकते हैं। ईश्वर के सामने आपकी इच्छा 100% पूरी होगी। तो आप करके देखिए, एक हफ्ते बस करके देखिए, आप खुद आके कमेंट में बताएंगे कि हाँ आपने जो कहा है वैसा हो रहा है। तो एक बार फिर आपको बता देते हैं कि वो मंत्र क्या है। तो चलिए उस मंत्र को आप एक बार मेरे साथ खुद पढ़िए। करागे वसति लक्ष्मी, करागे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करागे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। दूसरी लाइन है, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। थैंक यू दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे इसको देखने से अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।